अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच ऐसे मेथड के बारे में जिसको अगर आप फॉलोअप करते हैं तो इंस्टाग्राम से आप मंथली घर बैठे अच्छा खासा रेवेन्यू पैसा जनरेट कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे इंस्टाग्राम के ऊपर आना आपकी अपनी च्वाइस है और इसके ऊपर कंसिस्टेंस रहना ये आपकी मजबूरी है। और दोस्तों, ये सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर ही प्रोवाइड नहीं है, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप चले जाएं तो वहाँ पे कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते तो आप ही शी लीव इट, आप यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और एक टाइम आएगा आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। इसलिए अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर रहना है तो एक्टिव रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा, फिर ही आप अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, बेसिक चीज़ जो है वो मैंने आपको बता दी है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मेथड है पांच अर्निंग के, वो हम बात करते हैं। थंब रूल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। दोस्तों, इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप रियल और 100% गारंटी के साथ अर्निंग करना चाहते हैं, वो बहुत सारी अर्निंग करना चाहते हैं, तो जिससे मर्जी पूछ लें, जिस मर्जी प्लेटफॉर्म के पर्सन से पूछ लें कि इंस्टाग्राम के क्या रूल्स हैं और कैसे यहाँ से हम बहुत ही अच्छा खासा पैसा जो है वो बना सकते हैं, तो अगर वो पर्सन समझदार हुआ तो एक ही चीज़ आपको बताएगा, एफिलिएट मार्केटिंग। दोस्तों, इंस्टाग्राम के कंपैरिजन के मुताबिक अगर हम यूट्यूब को देखें तो वहाँ भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है, वो होता है मोनेटाइजेशन का। अब इंस्टाग्राम है, वहाँ भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है मोनेटाइजेशन का, तो इसलिए हम एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू इंस्टाग्राम से पैसा जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, बाकी चार जो ऑप्शंस है वो भी मैं बात करूंगा, बट हम पहले एफिलिएट मार्केटिंग को समझ लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करनी है इंस्टाग्राम के ऊपर, जो अच्छे तरीके वाली है। सबसे पहले आपने जाना ई कॉमर्स की वेबसाइट्स के ऊपर। अगर आप इंडिया से हैं तो वहाँ की वेबसाइट और हो सकती, और अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपको यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट मिलेगी gilbaba.com, इसके अलावा draz.pk, और भी छोटी मोटी वेबसाइट जो है वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, जिनके प्रोडक्ट आप वहाँ से एफिलिएट करेंगे, लिंक करेंगे अपने अकाउंट के साथ, और जो पर्सन आपके अकाउंट के थ्रू, लिंक्स के थ्रू वहां पे जाके उन प्रोडक्ट्स को बाय करेगा, तब आप एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा ले सकते हैं, आप पैसा बना सकते हैं, वो कंपनियां आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे जो है वो ट्रांसफर कर देंगे। दोस्तों, इंस्टाग्राम के ऊपर सेकंड ऑप्शन अर्निंग का क्या है, वो है हमारा स्पॉन्सरशिप्स। जी हाँ दोस्तों, स्पॉन्सरशिप्स के लिए भी आपको ऑडियंस रिक्वायर्ड होगी। 5,000, 10,000, 15,000 अगर आपके फॉलोअर्स हैं तो इंस्टाग्राम के ऊपर अच्छी खासी आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी, जहाँ पर आप ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करेंगे, उनसे आप उनकी ब्रांड्स की पिक्चर्स लेंगे या उनकी ब्रांड्स की जो स्पॉन्सरशिप्स हैं वो अपने आईडी के थ्रू आप करेंगे, तो उनसे आप जो है कमिटमेंट कर सकते हैं, जो भी आपका क्राइटेरिया है प्राइसिंग के हवाले से। दोस्तों, इंस्टाग्राम के जो टॉपेस्ट इन्फ्लुएंसर रेट्स हैं वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जिन्होंने एक साइकिल से प्राडो गाड़ियों तक जो है वो बाय की हैं। और दोस्तों, अगर आपके 5,000 से 10,000 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, तो किसी भी ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करने में आपको 5,000 से स्टार्टिंग ऑफर्स मिल सकते हैं। इससे ऊपर अगर आप जाते हैं, 1 मिलियन से ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पे तो कोई हिसाब ही नहीं है, इधर से भी आ रहा है, उधर से भी आ रहा है, तो बहुत सारा आप जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरे ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास आते हैं क्रिएटर। जी हाँ, बी या क्रिएटर भी आप अर्निंग कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि इंस्टाग्राम क्रिएटर को कौन कौन से गिफ्ट देता है, कौन कौन से रिवॉर्ड्स देता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा पॉपुलरिटी के ऊपर हैं, बहुत ज़्यादा आपके व्यूज आते हैं, तो इंस्टाग्राम का क्या रोल है। दोस्तों, क्रिएटर के लिए जो बेस्ट है वो है बोनस। रिसेंटली अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पे ये चीज़ जो है डिसकंटिन्यू हो गई है, यानी कि बंद हो गई है, क्योंकि जितना पैसा क्रिएटर्स को दिया उतना पैसा इंस्टाग्राम जो है वो गेन नहीं कर पाया, इसलिए इंस्टाग्राम ने इस सर्विस को इंडिया में डीएक्टिवेट कर दिया। दोस्तों, बोनस के बाद जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास बचता है वो है गिफ्ट। इंस्टाग्राम के अकाउंट के मोनेटाइजेशन सिस्टम में अगर आप जाएंगे तो सबसे टॉप के ऊपर आपको गिफ्ट का ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट की अगर बात करें तो हमारे पास आते हैं सब्सक्रिप्शंस। जी हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्रिप्शन जो है ये एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे एक्सक्लूसिव वीडियोस जो हैं वो आप शूट करके डाल सकते हैं। वहाँ पे आपके फैंस आएंगे, जो कि आपके टॉप लेवल फैंस होंगे, वो आपको पैसे सेंड कर सकते हैं। जैसे ही सेम एज अगर कंपैरिजन हम करें फेसबुक के ऊपर, जहाँ पे लोग स्टार्स भेजते हैं, तो वहाँ से जो क्रिएटर है उसको अर्निंग होती है, तो इंस्टाग्राम के ऊपर सब्सक्रिप्शंस होती हैं कि बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स होते हैं वो पैसा जो है वो देते हैं बाय आईडी के थ्रू। दोस्तों, नेक्स्ट इंस्टाग्राम अर्निंग की बात करें तो हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और टॉप लेवल की चीज़ आती है वो होती है ओपन योर ऑन शॉप इंस्टाग्राम। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इंस्टाग्राम के ऊपर एक शॉप ओपन कर सकते हैं, उसको आप प्रमोट कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट को आप सेल आउट करवा सकते हैं। दोस्तों, इंस्टाग्राम स्टोर की बात करें, ये छोटी सी चीज़ नहीं है, बहुत ही बड़ी चीज़ है। इसको समझना, इसके फंडामेंटल्स को देखना, शॉप कैसी होनी चाहिए, कैसी ब्रांडिंग होनी चाहिए, कहाँ से हमें ऑडियंस मिलेगी, कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, कौन
कौन सी शॉपन अगर हम ओपन करते हैं तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, कौन सी शॉप्स जो हमें चल रही हैं, ऐसे करके बहुत सारी इसमें ऑप्शंस हैं। ये 30 मिनट्स की एक वीडियो बन सकती है जो कि इंस्टाग्राम स्टोर के ऊपर हो सकती है। तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है, मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल के ऊपर नहीं हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के लेटेस्ट वीडियोज जब भी अपलोड होती हैं आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को शेयर करें अपने व्हाट्सएप और फेसबुक फ्रेंड के साथ।